सो हे गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्मित पटेल की और एक नई वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिटियोर 350 और क्लासिक 350 के हाइट एडजस्टमेंट। हमें हमारे जो लो राइड है उनके लिए कौन सी सीट बनी है, कौन सी एडजस्टमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं और किस तरह हमें हाइट हमारे पे सूट होती है हमारी बाइक्स, वो भी मैं आज एग्जांपल भी दिखा दूंगा और दोनों में कंपैरिजन है। हमारे पास साथ में ये दोनों बाइक, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह है। तो फिर हम चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम मिटियोर 350 की सीट हाइट की बात करें, मैं टूरिंग सीट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो हमारी स्टॉक जो आती है ये टूरिंग सीट है। जो स्टॉक सीट आती है उसकी जो हाइट आती है 765 mm आती है और जो हमारी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 आती है उसमें 800 mm आती है, इसलिए इसमें थोड़े पैर हमारे ऊपर रहते हैं, इसकी 800 mm आती है। और सपोज़ आप लो राइडर हो, आपकी हाइट इतनी नहीं है, आपकी हाइट 5.2-5.3 समथिंग है, तो आप लो राइडर जो सीट आती है वो आप लगवा सकते हो। उसकी प्राइस आती है 2900 से लेके 2600 तक आती है। उसमें 20 mm आपकी सीट हाइट जो होती है वो कम हो जाती है जो हमारी जो स्टॉक सीट आती है। और मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो और जो हमारी क्लासिक 350 में आती है वो तो हमारी जो रेगुलर आती है वही आती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसकी 800 mm जो सीट हाइट है। ओके, जो ये हमारी क्रूजर बाइक है मिटियोर 350 765 mm जो इसकी सीट हाइट है वो हम कोई दूसरी बाइक से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसकी सीट देख सकते हो, ये आपके पैर है ना थोड़े वो वाइड कर देता है, ये थोड़ी है ना ब्रॉड है हमारी जो ये टूरिंग सीट है वो। और साथ साथ में आपको लो राइडर हो तो मैंने आपको बता दिया है, और जो स्टॉक सीट आती है वो उसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप वो ले सकते हो। और आपकी हाइट ज़्यादा हो, मेरी है 5.6, मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें, इसलिए मैंने ये वाली टूरिंग सीट परचेस की थी। सो मेरी हाइट है 5.6, इसकी है 5.7 और इसकी है 5.8। ये आप इनको तो जानते ही है, ये क्लासिक 350 के ओनर, और ये है मेरा फ्रेंड, और हमारे पास है 5.9 वाला भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट, ये हमारे 5.9, 5.7 और 5.8 के, ये आप 5.7 की हाइट देख सकते हो क्लासिक 350 पे। और अब मीटियर पे चले जाते हैं, ये आप 5.7 की हाइट देख सकते हो मिटियोर 350 पे। क्लासिक 350 के ऊपर है ना, जब इनका जो पैर था वो थोड़ा ऊपर रहता था, और जो हमारी मिटियोर 350 में आप देख सकते हो, ये आप 5.8 की हाइट चेक कर सकते हो क्लासिक 350 पे। अब मिटियोर 350 पे स्विच कर दे। अब ये 5.8 की हाइट मिटियोर 350 पे चेक कर सकते हो। ये आप 5.9 की हाइट चेक कर सकते हो। इसमें जो पैर है ये पर्सन का वो थोड़ा फोल्ड हो रहा है, आप देख सकते हो। अब मिटियोर 350 पे स्विच करिए। मिटियोर 350 पे थोड़ा ज़्यादा फोल्ड हो रहा है। एक बार पैर ऊपर रखो। ये आप मेरी हाइट चेकआउट कर सकते हो क्लासिक 350 में, 5.6 हाइट है, इसकी 800 mm सीट हाइट है। और अब मैं स्विच कर रहा हूँ मिटियोर 350 पे, इसमें टूरिंग सीट लगी हुई है, ये इसमें थोड़े आपके पैर है ना, क्योंकि ये सीट ब्रॉड है इसलिए थोड़े आपके पैर बाहर की साइड रहेंगे, इसलिए आप लो राइडर हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लो सीट हाइट ले, वो 2900 की रेंज में आती है और वो जेन्युइन है रॉयल इनफील्ड की, आप एप्लीकेशन में से आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। ये आप देख सकते हो मेरी 5.6 हाइट है और मिटियोर 350 में मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें टूरिंग सीट इंस्टॉल की है। ये आप मेरी हाइट चेक कर सकते हो इसमें,
और ये आप चेकआउट कर सकते हो, जो हमारी जो मीटियोर स्विफ्ट में जो सीट आती है वो हमारे पैर कुछ इस तरह रहते हैं, ये आप देख सकते हो। और मैं आपको क्लासिक 350 में भी बता देता हूँ कि उसमें किस टाइप का है। आप इसकी जो सीट हाइट है वो आप दूसरी जो बाइक्स आती है उसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट है वो 765 mm है और इसकी थोड़ी प्रॉड आती है सीट, और वही मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ क्लासिक 350 में। ये आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।